अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वासिफ़ अली और आप लोग देख रहे हैं टेक टीचर्स चैनल। और ये हमारी वीडियो जो है टेक टीचर्स चैनल्स के तरफ से फॉरेक्स ट्रेडिंग की छठी जो है वो वीडियो है, सेवन्थ जो है ये लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ अब आते हैं, क्योंकि हमारी स्लाइड्स ऑलमोस्ट सारी की सारी फिनिश हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि जो ट्रेडर के टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट जो है वो जो है स्कैल्पर ट्रेडर, देन इंट्राडे ट्रेडर, और उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर। तो ये तीनों मैंने ट्रेडर्स आपको डिफ़ाइन किए थे। और इसमें जो है आप मुझे ये बताएं कि आप इनमें से कौन से ट्रेडर कहलाते हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपको अपने अकाउंट्स दिखाता हूँ कि ऑक्टा एफएक्स जो है हमारा एक ब्रोकर है, जिसके ऊपर हम जो है वो इजीली अपने फंड्स ट्रांसफ़र करके उसमें डॉलर ले सकते हैं। उस अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, और कैसे होगा वो भी बता दूँगा। और तो चलते हैं ज़्यादा वीडियो को लंबा करे बगैर। बट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ऑलवेज़ हमेशा करता हूँ, वो ये है कि वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते, तो कोशिश ये है कि मेरी कि अच्छा कंटेंट हो आपके लिए, और कोशिश यही रहती है। बट ये है कि लोग स्किप करके आगे देख रहे होते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि प्लीज़ वीडियो को जो है वो पूरा देखा करें। और अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये भी चीज़ देखी गई है कि वीडियो देखी तो जा रही है बट लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो दुख होता है ये चीज़ देख के, फिर दिल नहीं करता कि आगे वीडियो बनाएं। बट ये है कि कोशिश करते रहते हैं, और आपके लिए भी जैद भी बहुत कोशिश करते हैं, मैं भी करता हूँ। बट ये है कि उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप लोग जो है वो हमारे लिए ये सब करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो है वो मैं आपको ऑक्टा एफएक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑक्टा एफएक्स जो है वो हमारा ट्रेडर है। ओके, जैसे ये लोड हो जाए। तो जैसे ही ये लोड होता है मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरा डेमो अकाउंट आ गया, ठीक है। ये मेरा डेमो अकाउंट है जो कि मैंने कॉन्टेस्ट किया था यहाँ पे, एक मतलब मैंने कॉन्टेस्ट, अच्छा डेमो में आपको बता दूँ थोड़ा कि कॉन्टेस्ट कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट होता है इसमें डेमो का, अगर आपने वो कॉन्टेस्ट जीता तो आपको जो है वो बहुत सारे इनामात भी दिए जाते हैं। देखिए ये मेरा अभी देखें MT4 का ये अकाउंट है, कॉन्टेस्ट का अकाउंट है, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट पर जाके मैं आपको बता दूँगा यहाँ, ये कॉन्टेस्ट, ये आपका जाके पहले तो देखें आपने इसमें साइन इन करना है, वेरीफाई आपका ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ वेरीफाई का, आई गेस ओके वेरीफाई। अच्छा, जब आप नया अकाउंट बनाएंगे ना तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का आएगा, नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। तो आपने यहाँ पे जाके अपना स्मार्ट कार्ड वाला CNIC जो है वो आपने यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा जो है स्मार्ट कार्ड के अलावा अगर आपके पास है तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है आपके पास तो स्मार्ट कार्ड लाजमी बनवा लें। और जो है क्या कहते हैं, इसमें मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि देखें, एक तो ये कॉन्टेस्ट देते हैं, कॉन्टेस्ट अगर आप जीतते हैं विन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें आपको चीज़ें भी मिलती हैं, देखें चैम्पियन डेमो कॉन्टेस्ट राउंड 130, ठीक है। नॉट येट, अभी ये स्टार्ट नहीं है बट ये अगस्त के एंड में होगा, आप अभी से इसमें पार्टिसिपेट भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक और डेमो अकाउंट मैंने खोला हुआ है जिस पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मैं अब आपको देखें, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत इससे पैसा बनाया, बट ये कि मैंने बनाया है, बट इतना ज़्यादा नहीं बनाया जितना कि जो है आप समझ रहे हैं शायद। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज इसकी पूरी है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और जो मैंने इसमें ज़ाया किया वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और जो मैंने इसमें बनाया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में मैंने अभी कल ही जो है वो मैंने डिपॉज़िट किया है, और एक मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हुआ है। बट ये कि इस पर इंशाल्लाह रियल पे भी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, डेमो पे भी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। और ये दोनों चीज़ें जो है अच्छा, ये एक चीज़ नोट आ रहा है, प्लीज़ नोट, दिस अकाउंट विल बी इनएक्टिव अनटिल द कॉन्टेस्ट स्टार्ट। जब तक ये इनएक्टिव ही रहेगा ये अकाउंट हमारा, जब तक कॉन्टेस्ट हमारा स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट्स आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं सारी, ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि
इंटरनल ट्रांसफ़र। अच्छा, डिपॉज़िट कैसे करेंगे आप? ठीक है, डिपॉज़िट के लिए के बारे में आपको बता देता हूँ पहले। तो न्यू डिपॉज़िट पे जाएं यहाँ से, ठीक है, और यू कैन ओनली ऐड मनी टू अ रियल अकाउंट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वी आर वी कैन ओके। तो डिपॉज़िट इन दिस अकाउंट, मैंने आपने ऑलरेडी जो है अकाउंट में सेलेक्ट करना होगा। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा, मेरे पास ऑलरेडी इसमें पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें डिपॉज़िट ऑलरेडी किया हुआ। बट मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इसमें जो है 12 तरीके हैं, ठीक है। हर तरीके को मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ताकि जो है आपको समझ में आ जाए जो भी आप इसमें करना चाहते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, आप उससे भी ये कर सकते हैं, डॉज कॉइन है, वट एवर, इथेरियम है, आप कुछ भी, लाइट कॉइन है आपके पास, आप सब कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वो ये है कि अगर आपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया तो आप जो है वो अमाउंट किसी और करेंसी में नहीं निकाल सकेंगे। मींस अगर आपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास $500 का बिटकॉइन है, आपने $500 इसके अंदर डाल दिए, तो आपका जब उसके ऊपर प्रॉफिट होगा तो आप बिटकॉइन के ही ज़रिए निकालेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप बैंक अकाउंट से निकाल लें या इथेरियम बना के निकाल लें उसको, या वीज़ा कार्ड से निकाल लें, या वट एवर, कहीं से भी आप निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें अपने माइंड में। इसके अलावा अगर आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने बैंक से ही वापस लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए मैं बता देता हूँ ये बैंक ट्रांसफ़र कैसे होगा। बैंक ट्रांसफ़र पे जाएं और यहाँ से देखें, अगर आप $40,000 करेंगे आज के रेट के हिसाब से तो $178 मिलेगा आपको, 178 मिलेगा आपको। और जो है अगर आप 20,000 करेंगे तो 89 मिलेंगे 10,000। और अगर आप यहाँ पे अदर अमाउंट, यानी कि जो भी आप अमाउंट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है मैं इसमें 80,000 जो है डिपॉज़िट करा दूँ, तो मेरे मेरे कितने बनेंगे, $356 जो है वो मेरे 80,000 के हिसाब से बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है बोनस, अगर आप चाहते तो ऑब्वियसली सबको बोनस चाहिए होता है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर दें आप। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन से बैंक से आप उसको भेजेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर मीज़ान बैंक है तो मैं मीज़ान सेलेक्ट कर, अच्छा इजी पैसे से भी आप भेज सकते हैं, जैस कैश से भी भेज सकते हैं, और तमाम पाकिस्तानी बैंक्स को, माइक्रो बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कोई इसमें आप टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मीज़ान बैंक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करें यहाँ से। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें, ये जुनेद इंटरप्राइजेस, ये लाजमी देख लीजिएगा, जब आप इनको डिपॉजिट कर रहे हो पैसे को, इस अकाउंट नंबर को लाजमी देख लीजिएगा। मीज़ान बैंक का ये अकाउंट है, जुनेद इंटरप्राइजेस वालों का ये अकाउंट है, ये लाजमी देख लीजिएगा। वरना अगर आपने किसी और अकाउंट पे, या अगर जुनेद इंटरप्राइजेस नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो जो आपका एसेट होगा, जो आप पैसे इनको भेजें, अच्छा पहले इनको पैसे भेजने होंगे, उसके बाद फिर ये अपने, ये देखें, नोटिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नोटिफाई कैसे करना पड़ेगा ये देखें, कि आप यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये आपके जो है, यहाँ पे आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है, इधर बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, डेट आपकी आ जाएगी सारी, और स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है। जब आप इनको पैसे भेजें तब आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना, कंफर्म रिक्वेस्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हफ्ते इतवार को भी कर रहे हैं तब भी आपका जो है वो ईज़िली 2-3 घंटे या मैक्सिमम 10-12 घंटे के अंदर ये अप्रूव कर देंगे और आपके पास पैसे डॉलर्स की शक्ल में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो जो है वो नहीं, फिर कोई मसला नहीं है, बट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप ERC-20 करेंगे, मतलब ERC-20 उनको पता होगा जो क्रिप्टो वाले हैं, तो उनको ये मालूम होगा कि ERC-20 करने से फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र से फ़ीस मेरी इतनी नहीं लगी थी जितनी कि आपकी, नहीं मेरी इतनी फ़ीस नहीं लगी थी, मैक्सिमम $1 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे याद नहीं अपनी फ़ीस कितनी थी, बट सबकी अलग अलग फ़ीस होगी यहाँ पे। इथेरियम की अलग होगी, बिटकॉइन की अलग होगी, सबकी अलग होगी, वीज़ा की अलग होगी। तो आप ये चीज़ देख के करिएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बतानी थी। इसके बाद मुझे जो है आपने आपको एक चीज़ और बतानी है, वो ये है कि ओके, ये डाउनलोड डेस्कटॉप MT4 ऐप, या आप MT4 की जो ऐप है ना, देखें ट्रेडिंग करेंगे कैसे, आप ट्रेडिंग किस पे करनी है। दो चीज़ें हमारे पास, एक मोबाइल पे भी मैं आपको बताऊंगा, और एक इस, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। डेस्कटॉप ऐप, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड इन वेब भी कर सकते हैं, ठीक है, वेब के ऊपर भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर वेब का बता देता हूँ।
वेब पे आपको देखें यहाँ पे डायरेक्ट खुल रही है, और मैं यहाँ से रियल तो नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, और यहाँ से आपको ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपके पास आएगा आपके ईमेल के ऊपर, ईमेल के ऊपर जैसे ही पासवर्ड आएगा यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो जो है ये आपका वेब, यानी कि वेब के ऊपर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। बट अगर आप चाहते हैं कि यार मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेडिंग करूँ, तो आप डेस्कटॉप का ये सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड करें, ठीक है। और ये इंस्टॉल कैसे करना है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, बट फिर भी सिंपल डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद देखें ये कुछ इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ऑक्टा ऑक्टा मार्केट्स के नाम से, ठीक है। ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, ये पूछेगा अकाउंट कौन सा डालना है, वो अकाउंट आप उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लॉगिन मांगेगा आपसे, लॉगिन आपने लाजमी देना होगा, ठीक है। अभी मेरे पास ये लोड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको लॉगिन नहीं दिया है। ये है डेस्कटॉप का तरीका, यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप या डेस्कटॉप से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो ट्रेडिंग करें, सॉरी आप चाहते हैं कि आप जो है वो ट्रेडिंग करें मोबाइल से, तो आपने यहाँ से इनकी ऐप डाउनलोड करनी है। कौन सी? MT4 की ऐप होती है। देखें आपको इसमें बता भी ने, प्ले स्टोर पर जाके मेटा ट्रेडर 4 लिखना है आपने, इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने ऐप को इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, मैं अपने मोबाइल पर आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको ये शो हो रहा हो, मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं, अगर ये नज़र आ जाए, शायद ये आपको नज़र ना आ रही हो मेरे ख्याल में। ओके, देखें ये MT4 की ऐप है, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये MT4 की ऐप आ गई, सही है। इसके अंदर आपने जो है वो ट्रेडिंग करनी होती है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास और इसको इंस्टॉल करेंगे, सही है। आई होप कि आपको ये नज़र आ गई होगी। और आई डोंट नो ये कौन सा अकाउंट मेरा खुला हुआ है। ओके, यहाँ से इसके अकाउंट को मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये अभी इतना ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंशाल्लाह आपको मैं इसको बताऊँगा कि कैसे होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फॉरेक्स के हवाले से जो है अच्छी खासी चीज़ें अब हमारी हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब हम डेमो पर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद अगर आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल टेक टीचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो के लिए, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और हमारे ईमेल पे और व्हाट्सएप पे भी रابطہ कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो हम जो है वो हाज़िर हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।